हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास है फॉक्स वैगन टी रॉक और हम आए हैं बाय द वे सिरामिक प्रो में। तो आज गाड़ी के ऊपर जो पूरा कोटिंग वगैरह का प्रोसेस है वो तो होने वाला है, बट मैंने सोचा आप सभी को इंटीरियर से थोड़ा सा अपडेट कराना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टी रॉक की इस टाइप की आपको की मिलती है। बाय द वे स्कॉडा में और आपको फॉक्स वैगन में एक ही टाइप की मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, बूट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है एंड गाड़ी के अंदर आपको फ्लिप की मिलती है। और यहाँ पर आपको कोई भी की का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कंपनी फ्लिप की देती है। यहाँ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच देती है कंपनी एंड ये है इसकी बड़ी सी एमआईडी जो कि ऑडी से इंस्पायर्ड लगती है। डीआरएल बाय द वे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इसकी एमआईडी मिलती है, यहाँ पर हमको मेन इंफोटेनमेंट मिलता है। तो साउंड रिस्पांस काफी अच्छा इसका आता है, साउंड सिस्टम काफी अच्छा है इसका। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पर आपको। ये इसके एसी वेंट्स हैं जो पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब एक फील आती है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर कल ही मैं अरुण पवार भाई की एक वीडियो देख रहा था तो उसमें टी रॉक का एक पूरा उन्होंने रिव्यू वगैरह दिया है। तो इस गाड़ी के अंदर ना क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, मतलब कि ये सीबी यूनिट है तो क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। ये इसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर जो सनरूफ है ना वो आपको काफी अच्छी मिलती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। अभी हेडलाइट्स हमने बंद कर दिए तो डीआरएल्स आपको जल्दी में देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आप देखिए इसकी हेडलाइट्स हैं। तो ये इसका लाइट का सेटअप है। प्लस अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एमआईडी कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल एंड यहाँ पर आपको इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है एंड टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिलता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो यहाँ आपको सिर्फ रेस और पैडल देखने को मिलेगा अपनी गाड़ी के ब्रेक का। और इसके साथ में ये गाड़ी की एमआईडी है, एमआईडी में आप देख सकते हैं 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यहाँ पर आपको 1000 आरपीएम तक की रेंज मिलेगी। स्विच ऑन द लाइट्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्योंकि अभी रात है ना, इसीलिए ये बता रहा है कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। साथ में आपको ये मिलता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। एसी वेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लोअर्स को आप क्लोज यहीं से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली एंड यहाँ पर भी आपको ब्लोअर को क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही में ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है विथ लाइट। ग्लोव बॉक्स काफी अच्छा है एंड मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, सॉफ्ट मैकेनिज्म के साथ आता है। यहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह होल्ड करने का ऑप्शन कंपनी देती है। साथ में इसमें आपको आईफोन की चार्जिंग केबल वाला ऑप्शन मिलता है, मतलब कि अब वो टाइप ए वाला ना ऑप्शन इन्होंने हटा ही दिया है। स्कॉडा की कुशाक में भी नहीं आता है, टाइगून में भी नहीं आता है और ये टी रॉक में तो आता ही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन स्कॉडा और फॉक्स वैगन से हट चुके हैं, अब ये वाला पोर्ट कंपनी देने लगी है। और यहाँ पर आपको 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है, तो इस तरीके का सॉकेट है ये आप देखिए। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो पार्किंग का और ये ऑटो होल्ड का फंक्शन। साथ में यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ये है इसका ग्लोव बॉक्स, छोटा सा स्पेस है, मतलब ज्यादा स्पेस नहीं है, डीप स्टोरेज नहीं है एंड ये आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ मिलता है। अगर आप अपनी गाड़ी की सीट को आगे कर लेते हैं ना तो ये आगे करके आप अपनी गाड़ी की राइड को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर खास बात तो ये है कि इसमें आपको यहाँ पर स्पेस भी मिलता है, ये स्टोरेज स्पेस है, अपने क्लोथ्स वगैरह आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हैं। 1.5 केजी का यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देती है कंपनी एंड इसमें आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिलती है गाड़ी के अंदर में। ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है जो आप कह सकते हैं, बट 6 एयरबैग्स, गाड़ी के अंदर सेफ्टी, हाई स्ट्रेंथ स्टील आपको कंपनी दे रही है, तो वहां पर ये सारी चीजें आप मिस भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बाय द वे ये है इसकी सीट्स, ये आप सीट्स देख सकते हैं। इसमें आपको हीटेड सीट्स भी मिलती हैं जो ऑप्शन गाड़ी कंपनी अवेलेबल कराती है। तो इसके टॉप वेरिएंट में आपको हीटेड सीट्स का फीचर भी मिल जाता है। ये इसकी सनरूफ है, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, ये वाइट लाइट्स, ये आपको मिलते हैं इसके सनशेड्स विथ लाइट। ये देखिए लाइट ऑफ हो गई है ये ऊपर की, जैसे हम ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म को करेंगे ना तो ये ऑन हो जाएगी एंड जैसे इसे क्लोज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, यहाँ पर भी आपको सेम फीचर ऑफर कर रही है कंपनी। और ये है इसकी लाइट, वाइट लाइट रहती है, यहाँ से आप सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए तो प्यारी लगती है देखने में। ओके, आप ये कर्टन को आप पूरा ओपन करके नाइट ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं, स्टार्स वगैरह देख सकते हैं। और पीछे में आपको यहाँ पर ये टैबलेट होल्डर मिल जाता है, ये टैबलेट होल्डर एज अ एसेसरी पैकेज है ये। तो यहाँ पर इंटीरियर से तो हमने ये बात कर ही ली है, अगर आपको एक्सटीरियर से इसकी फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी तो इसके ऊपर सिरामिक कोटिंग चल रही है। और साथ में एक और चीज़ है, ये गाड़ी लिमिटेड नंबर्स के अंदर इंडिया के अंदर आती है। इसकी कॉस्टिंग आती है एक शोरूम 21.35 लाख रुपीज़ और ये CBU यूनिट्स हैं, तो एक लिमिटेड नंबर में इंडिया के अंदर गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं CBU यूनिट्स में। और आप क्या सोचते हैं फॉक्स वैगन टी रॉक के बारे में हमें ज़रूर बताएं। ऑडी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगती है, मतलब जो फील है ना वो ऑडी जैसी आती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।